हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। मैं आपका अपना दोस्त लवी ठाकुर एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी में। और आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 125 गज में रहने वाले बहुत ही खास मेरे प्लॉट साइज की, जो कि आपके लिए लोकेटेड है बहुत ही शानदार लोकेशन में। क्योंकि अक्सर क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उत्तम नगर में घर लेना चाहते हैं तो ऐसी लोकेशन पे लेना चाहते हैं जहाँ पे उनको उत्तम नगर का ट्रैफिक भी फेस ना करना पड़े और वो द्वारका की कनेक्टिविटी में भी बने रहें। तो आज आपके लिए उसी तरीके से उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए 125 गज का मेरा ये प्लॉट साइज, जिसके अंदर आपके लिए 75 गज का 3 BHK और 50 गज का 2 BHK बहुत ही शानदार लोकेशन पर बनाया गया है, जहाँ पे आपको उत्तम नगर का ट्रैफिक भी फेस नहीं करना पड़ेगा और आप द्वारका की कनेक्टिविटी में भी रहेंगे। तो वो लोकेशन है द्वारका मोड़। जी हाँ फ्रेंड, द्वारका मोड़ के ऊपर यानी कि द्वारका मोड़ मेट्रो और द्वारका मेट्रो के बीच में आपके लिए 125 गज में शानदार 3 BHK और 2 BHK का प्लॉट साइज आपके लिए रेडी किया गया है न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ। बहुत ही शानदार ये फ्लैट आपके लिए रहने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बातें करते करते देखेंगे आज का बहुत ही शानदार ये फ्लैट कैसा आपके रहने वाला है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेन रोड कनेक्टिविटी की, वो आपके लिए कितनी दूरी पे इसके लिए रहने वाली है, और जो हम बात कर रहे थे कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपके फ्लैट से कितने डिस्टेंस पे है, वो भी मैं आपको अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं अपने बिल्डिंग के फ्रंट में साइड में रहने वाली गली में। तो जैसा आपको बताया था कि इसका जो मेन कनेक्टिविटी है द्वारका मोड़ की, तो आप ये देख सकते हैं जस्ट सामने मेट्रो जा रही है। तो यहाँ से जो मेट्रो का डिस्टेंस है ये हार्डली 50 मीटर है। अगर मैं आपके कदमों की बात करूँ तो आप जाहिर से 100-150 कदम होंगे आपके यहाँ से लेके इस मेट्रो तक पहुँचने में। आप देख सकते हैं सामने कनेक्टिविटी है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो द्वारका मोड़ हार्डली 50 मीटर पे, राइट लेंगे तो द्वारका मेट्रो स्टेशन जो कि रहता है मतलब 100-150 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ से आप फोर व्हीलर आपका बहुत ही आसानी से दोस्तों आ जाएगा। आगे गली मेरी बंद रहती है, तो कोई भी अननोन पर्सन का या अननोन गाड़ी का आना मतलब आना होगा ही नहीं। तो सिर्फ जिनके गली में घर है बस वही लोग इसमें एंट्री करेंगे, बाकी फोर व्हीलर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये रहता है मेरी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, आप ये देख सकते हैं जो 125 गज का टोटल फ्रंट एलिवेशन, जिसमें आपके लिए 3 BHK 2 BHK दोनों रेडी किए गए हैं। फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करते हैं इसकी मेन एंट्रेंस को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्मॉल गेट और एक बड़ा गेट आपको दोनों बना के दे रखे हैं। मीटर सारे आपके आउटसाइड में रखे हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रिशियन रीडिंग लेने के लिए आता है तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी चीज़ की। अब ये रहती है हमारी पूरी 125 गज की पार्किंग, जहाँ की आप जहाँ पे आपकी शानदार गाड़ियाँ दोस्तों खड़ी हो जाएंगी। अब ये देख सकते हैं पूरी 125 गज की पार्किंग है। वाटर कनेक्शन सारे आपके नीचे दिए गए, यहाँ पे सारे आपके पानी के कनेक्शन लग जाएंगे और बिजली के मीटर आपने बाहर देख ही लिए हैं। अब ये आपका रहता है लिफ्ट का सेक्शन, जो कि आपको पहुंचाएगा आपके फ्लोर तक। अब इसके बाद चलते हैं अपने फ्लोर में कि वो किस तरह का आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, उसके लिए चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा रहता है लॉबी एरिया। लिफ्ट सेक्शन से आप बाहर निकलेंगे तो सामने हमारा रहता है ये 2 BHK, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। और सामने हमारा रहता है 3 BHK, जो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बनाया गया है बहुत ही शानदार लोकेशन पे और बहुत ही शानदार इंटीरियर वर्क के साथ। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि 8 फुट की चौखट के साथ डबल माइका ग्लॉसी ड्यूल टोन माइका के साथ आपको बहुत ही शानदार वुडन का ये डोर आपको फ्लैश डोर हैंडल के साथ प्रॉपर बना के तैयार करवा के दिया जा रहा है। अब इसके बाद एंटर करेंगे अपने लिविंग एरिया के अंदर, वेलकम। तो यहाँ से दोस्तों एंटर करते हैं अपने लिविंग एरिया में, डोर कर देते हैं लोग ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। अब ये आता है दोस्तों आपका पूरा का पूरा लिविंग एरिया, आप देख सकते हैं कि शानदार डायमेंशन के साथ अप्रोक्सीमेट 14 फीट लंबा आपका ये लिविंग रहने वाला है और 10 फीट चौड़ा, 14x10 के अप्रोक्स डायमेंशन के साथ आज आपको ये लिविंग एरिया मिलने वाला है, जिसकी फ्लोरिंग में हमने 4x2 की बहुत ही शानदार देख सकते हैं आप ड्यूल टोन टाइल्स वर्क का यहाँ पे काम किया गया है। जितनी भी टोटली टाइल्स हैं डिजिटल वेट्रीफाइड टाइल्स हैं दोस्तों, शाइनिंग इसी तरीके से रहने वाली है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं आपके सिटिंग एरिया की, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से 5-7 सीटर सोफा बहुत ही आसानी से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेंटर टेबल और 2 पफी लगा के आपका लिविंग रूम 1 नंबर का दोस्तों बन जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके डेकोरेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर वॉल, एक वॉल पे हमने प्रॉपर वुडन का आपको डिज़ाइन तैयार करवा के दिया गया, जिसके ऊपर हमने आपको स्प्लिट एसी का प्रॉपर प्रोविजन तैयार किया गया है। इंटरकॉम सिक्योरिटी आपको इसमें लगा के दी गई है। अनदर वॉल पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी कोई वॉलपेपर नहीं है, प्रॉपर वुडन का आपको
काम करवा के दिया जा रहा है, कोई वॉलपेपर नहीं है, कंप्लीट वुडन का ये काम है। अब नेदर वॉल पे आपके लिए रखा गया है कंप्लीट एलसीडी पैनल, आप साइज देख सकते हैं कि कितना शानदार एलसीडी पैनल आपके लिए बनाया गया है, और इस पर आप अपना एलसीडी पैनल लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ऊपर नीचे काफ़ी सारी सेल्फ आपके लिए तैयार करवा दी गई हैं, जहाँ पे आप अपना एंटिक पीस, डेकोरेशन, कोई भी छोटा मोटा सामान बहुत आसानी से दोस्तों रख सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी फॉल सीलिंग पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की फॉल सीलिंग आपको बना के दे रहे हैं, जिसके राइट लेफ्ट में फ़ैन और सेंटर में एक बहुत ही शानदार शैंडिलियर आपको लगा दिया गया है। तो ये फॉल सीलिंग इस स्टाइल की बनाई गई है जो कि आपके लिविंग की जो डेकोरेशन है ना उसको दोस्तों एक नंबर का बना के लाती है। तो अब ये था इसका लिविंग रूम। इसके बाद हम देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम वो कैसा आपके लिए रखा गया है। तो राइट डायरेक्शन में हमारा रहता है कॉमन वॉशरूम, जो कि काफ़ी डिसेंट साइज के साथ आपको तैयार करवा के दिया गया है। अभी बाथ फिटिंग, सेंट्री फिटिंग का काम अभी होना बाकी, क्योंकि दोस्तों अभी अंडर फिनिशिंग में बिल्डिंग है, नई कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा काम होता रहता है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं एंटीस की टाइल्स इसमें लगाई गई है आपके लिए, और बाकी आप ड्यूल टोन टाइल्स का काम इसमें आपको करवा के दिया गया है। बाकी जो सैनिटरी बाथ फिटिंग है वो आपके लिए इसी तरीके से जो आप मेरे हर वीडियो देखते हैं उसमें जैसा आपको बनाया गया वैसे आपके लिए तैयार करवा के देंगे। अब जस्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी किचन की, तो जस्ट साथ में रहती है हमारी किचन एरिया, और किचन में एंटर करने से पहले अगर मैं बात करता हूँ मैं रेफ्रिजरेटर स्पेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार स्पेस है, जहाँ पे आपका सिंगल डोर डबल डोर फ्रिज बहुत आसानी से आ जाएगा। पीछे आपके लिए 16 एम्पायर का प्रॉपर टैप आपके लिए लगा दिया गया है। अब यहाँ से एंटर करते हैं अपनी किचन में, और किचन प्रॉपर यू शेप में रखी गई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर यू शेप में आपको मार्बल बना के दिया गया, जिसके एक तरफ में आपके लिए स्टेनलेस स्टील की सिंक लगा दी गई बर्तन धोने के लिए, और जस्ट उसके साथ में यहाँ पे आपको रखा है गैस स्टोव के लिए, जहाँ पे चिमनी आपको लगा दी गई है। वुडन के सारे कैबिनेट्स तैयार करवा दिए गए हैं अपर में भी और लोअर में भी, स्पेस काफ़ी डिसेंट इसमें आपको तैयार करवा के देते हैं। तो जैसा मर्जी आपके बर्तन हो, छोटे बड़े, आप हर तरीके से बड़े प्यार से इसमें दोस्तों रख सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज करना है किसी भी चीज़ को, उसके लिए अलमीरा आपको यहाँ पे तैयार करवा दी गई है, जो किचन अलमीरा यहाँ पे आपको हम बना के दे रहे हैं। ये थी दोस्तों आपकी किचन अलमीरा, जहाँ पे आप अपना स्टोरेज रख सकते हैं। अब जस्ट उसके बाद स्टार्टिंग में आप देखते हैं ग्लास का प्रॉपर यहाँ पे आपको एक स्टोरेज तैयार करवा के दी गई, जहाँ पे ग्लास का काम आपको करवा के दिया गया, ताकि घर की फीमेल्स को काम करते करते अपने मेकअप की चिंता नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपर मिरर आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, अपना मेकअप वगैरह हेयर स्टाइल आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हर चीज़ का ख्याल इसमें आपके लिए रखा गया दोस्तों। अब जस्ट ठीक इसके बाद बात करेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की, कि वो कैसा आपके रहने वाला। तो किचन के जस्ट साथ में मेरा रहता है दोस्तों पहला बेडरूम, और शानदार डायमेंशन के साथ आज आपको ये मिलने वाला है फर्स्ट बेडरूम, जिसकी फ्लोरिंग में हमने आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार फ्लोरिंग में जो टाइल्स लगाई गई है 4x2 की डिजिटल वेट्रीफाइड टाइल्स आपको मिलने वाली है, बहुत ही शानदार लग रही है। स्टोरेज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार यू शेप में स्टोरेज आपको इसमें हम बना के दे रहे हैं, जिसके बीच में आपका 6x6 का बेड आ जाएगा दोस्तों। और बेड लगाने के बाद आपका जो बेडरूम है बहुत ही क्लासी लुक में निकल के आता है दोस्तों। राइट लेफ्ट दोनों स्टोरेज मिलने वाली है, स्प्लिट एसी का प्रॉपर प्रोविजन आपको यहाँ पे तैयार करवा के दिया गया है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है आपकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जिसके अंदर आपको कंसीव लाइट्स और फैन एज इट इज़ हम लगा के दे रहे हैं। तो ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के बाद अगर हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, तो वो कैसा आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ से एंटर करेंगे दोस्तों अपने सेकंड बेडरूम में, और सेकंड बेडरूम के अंदर भी आपको मिलने वाली है स्टोरेज और एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका 6x6 का बेड दोस्तों आ जाएगा, और बेड के पीछे भी हमने आपको वुडन का यहाँ पर डिज़ाइन करवा के दिया गया है, जहाँ पर आप अपने डेकोरेशन के सामान रख सकते हैं। ड्रेसिंग आपको प्रॉपर यहाँ पे तैयार करवा दी गई है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। सामने इसका अटैच बाथरूम रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार साइज़ है। इसमें भी अभी सैनिटरी बाथ फिटिंग का काम दोस्तों होना भी बाकी है। अब जस्ट बाथरूम के बाद अगर हम बात करते हैं इसके अनदर LCD पैनल की, तो यहाँ पर भी आपको शानदार ड्यूल्टोन माइका के साथ LCD पैनल बना के दे रहे हैं, तैयार करवा के दे रहे हैं। और इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक स्टोरेज मिलने वाली दोस्तों, स्लाइडर स्टोरेज आपको यहाँ पर तैयार करवा के दे रहे हैं, काफ़ी स्पेस इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कंप्लीट स्टोरेज मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके वेंटिलेशन की, तो यहाँ पे कंप्लीट विंडो आपके लिए तैयार करवाई गई है, यहाँ ऊपर अपना विंडो एसी आप प्लेस कर सकते हैं, नीचे आपके लिए नेचुरल लाइट के लिए विंडो तैयार करवा दी गई है। तो फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल की आपको यहाँ पे भी फॉल सीलिंग मिलने वाली है, फैन एज इट इज ला दिया, कंसीव लाइट्स हो गया, कॉब लाइट्स हो गया, तो कंप्लीट फिटिंग के साथ बेहतरीन लुक के साथ आपको ये फॉल सीलिंग हम तैयार करवा के दे रहे हैं। तो अब टाइम है इसका दोस्तों लास्ट और फाइनल बेडरूम देखने को, क्योंकि थर्ड बेडरूम रहता है जो कि आपको मिल जाता है बालकनी के साथ।
यहाँ से हम आ जाते दोस्तों अपने थर्ड बेडरूम के अंदर, और थर्ड बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर आपको लगा दिए गए। यहाँ पे आपका बीच में बेड आ जाएगा दोस्तों, और बेड लगने के बाद आपका ये जो थर्ड बेडरूम है बहुत ही क्लासी लुक में निकल के आता है। फॉल सीलिंग आप इसकी भी देख सकते हैं कि आपको लिविंग में भी और तीनों बेडरूम में एक से एक क्लासी लुक में जो हम फॉल सीलिंग आपको तैयार करवा के दे रहे हैं। कंसील लाइट का काम यहाँ भी हो चुका है, फैन आपको यहाँ पे भी लगा दिया गया है। अब जस्ट ठीक इसके बाद हम बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो एसी लगाने का प्रॉपर प्रोविजन ऊपर तैयार है। नेचुरल एयर के लिए विंडो तैयार करवा दी गई है। ये मेरा रहता है बालकनी एरिया, यहाँ से हम दोस्तों एंटर करते हैं अपनी बालकनी में, और काफ़ी शानदार साइज़ है। बारिश का मौसम है तो आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी शानदार पड़ रही है दोस्तों। जैसे आपको लास्ट वीडियो बताया था कि मॉनसून ऑलरेडी आ चुका है, तो बारिश में भी आपके लिए, चाहे बारिश हो धूप गर्मी, आपके लिए नए नए फ्लैट बनाते रहते हैं, वीडियो में आपको दिखाते रहते हैं। तो बालकनी एयर भी आप देख सकते हैं शानदार प्लेसेस में। टैप और स्विचेस लगा दिए ताकि आप यहाँ पे इसको आसानी से वॉशिंग एरिया बना सके, कपड़े धो के आसानी से सामने सुखा सके दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आज का 80 गज में बना हुआ 3 BHK बहुत ही शानदार लोकेशन पे, जहाँ पे आपको फेस नहीं करना पड़ेगा उत्तम नगर का जाम, और आप कनेक्टिविटी में बने रहेंगे द्वारका की, क्योंकि यहाँ से द्वारका मोड़ की जो रेड लाइट है हार्डली आपकी 2 मिनट की ड्राइव पे रहता है, और वहाँ से आप राइट टर्न लेके द्वारका में एंटर हो जाएंगे जो कि 0 ट्रैफिक जोन में आता है। तो उसके बाद आपको कहीं भी जाना है आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से दोस्तों जा सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी पास में रहने वाली है, ई रिक्शा कनेक्टिविटी, ओला उबर फैसिलिटी, क्योंकि मेन रोड हार्डली 10 कदम पे है, तो बहुत ही नियरेस्ट आपके लिए रहने वाला है। अब बात करेंगे इसके सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो कि आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा, जो कि रहता है इसका प्राइस का सेशन। तो प्राइस आपके लिए बहुत ही रीजनेबल रखा गया है, सिर्फ 39.5-40 लाख में आज आपको ये मिल जाता है। फिर 80 गज का 3 बेडरूम मेट्रो कनेक्शन की अपना कनेक्टिविटी में, ई रिक्शा कनेक्टिविटी में, हर तरीके की फैसिलिटी में, बड़े बड़े बिग ब्रांड के हॉस्पिटल आपको आपके घर से चंद कदमों की दूरी पर मिल जाते हैं, जैसे तारक हॉस्पिटल हो गया, और भी बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हो गए, महिंद्रू हॉस्पिटल, मग्गो हॉस्पिटल, जो कि आपके घर से सराउंडिंग में बहुत ही पास रहते हैं। और जाहिर सी बात है NSIT यूनिवर्सिटी जो कि आपके इस फ्लैट से सामने है दोस्तों, मतलब हार्डली आप अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव लगेगी और NSIT में आप कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही नियरेस्ट रहने वाला है NSIT यूनिवर्सिटी के पास में। तो सिर्फ 39.5-40 लाख में 90% लोन के साथ, तो यानी कि आपने अपनी जेब से क्या दिया मुझे, सिर्फ 3.5-4 लाख रुपए, उसके बाद 90% लोन हो जाएगा, जो कि आप आसानी से छोटी छोटी किस्तों में पे कर सकते हैं और बन सकते हैं बहुत ही शानदार फ्लैट के मालिक। तो किराए से भी छुटकारा पा लेंगे और उसी किस्तों में एक मकान के मालिक बन जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आज का 3 BHK कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको खुल के फ्लैट दिखाता हूँ उस तरीके से आपके खुल के कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपके मन में इंक्वायरी चलती है, डाउट चलता है, लोन से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा फ्लैट प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो खत्म होने पर इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, नेबर में शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरे हर बजट हर फ्लैट की वीडियो आती रहे। तो इस फ्लैट से लूंगा आपका दोस्त लवी ठाकुर इजाजत, मिलूंगा आपको एक नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए रब राखा, नमस्कार, जय हिंद।